हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट से तो आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के एक बीएससी के पेपर यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखेंगे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स बताऊंगा उसमें से किस चैप्टर के अंदर पेपर में चोरी आती है वो भी बात करेंगे किस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आता है वो भी बात करेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं वो भी बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ जाओ आपका थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी बात करेंगे कौन से चैप्टर से प्रैक्टिकल ज्यादा पूछा जाता है आपको उसी चैप्टर के ऊपर फोकस करना है और उन्हीं चैप्टर को प्रैक्टिकल के लिए तैयार करना है और ये भी देखेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर किस तरीके का पैटर्न पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा उसको जाकर ज्वाइन और फॉलो कर लें तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो हमारी ये वीडियो होने जा रही है हमारे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर सिक्स के स्टूडेंट से तो अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है आखिर इसके अंदर कितने चैप्टर है सबसे पहले ये देख लेते हैं इसके अंदर टोटल पांच यूनिट है सबसे पहला यूनिट इंट्रोडक्शन का है जिसमें आपको मीनिंग ऑब्जेक्टिव नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग की तीन फॉर्म होती है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो तीनों फॉर्म के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है पहला मीनिंग ऑब्जेक्टिव नेचर स्कोप ये चारों बातें और डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग ये एक सेकेंड कॉन्सेप्ट है और तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये तीनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कई बार पेपर में पूछे गए तो आप इसकी थ्योरी जरूर देख के जाना ये बार बार पेपर में आती है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें से भी कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया है. अगर बात करें यूनिट सेकंड जो कि है मार्जिनल कॉस्टिंग ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एक बेसिकली प्रैक्टिकल चैप्टर है इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है और काफी आसान क्वेश्चन बनेगा और मैं एक बात बता दू रिपीटेटिव क्वेश्चन बनेगा आप जो अपने ईयर को देखोगे लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा सिर्फ फिगर चेंज कर दी जाएंगी तो पास ईयर पेपर को जरूर पढ़ के जाओ बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई न्यूमेरिकल के नाम पर नया कॉन्सेप्ट नहीं बनता जो पास ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे वही रिपीट मारते हैं हर साल सिर्फ डिजिट चेंज कर दी जाती है इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है फिर हमें पढ़ना है और कॉस्टिंग क्या होती है, है? तो आखिर किस तरीके से इनकम को हम करते हैं इसके अंदर? Cost, volume, cost, volume, निकालते है तो वो कैसे निकाली जाती है ब्रेक इवन एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं हम इसमें तो उसको फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो हम कहेंगे मैथमेटिकल वे में निकाला ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकल अप्रोच में हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला फिर आता है इसमें अगला टॉपिक जो की प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फिर आएगा अगला टॉपिक एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैश ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कई तरीके के होते हैं एक नॉर्मल वाला ब्रेक इवन पॉइंट दूसरा कैश ब्रेक इवन पॉइंट फिर आता है कम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट और फिर इसका लास्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंट पॉइंट तो देखो बेसिकली इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा उसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता दू तो ब्रेक इवन पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है एक बड़ा क्वेश्चन मैंने कहा उसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट भी डाला होगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी डाला होगा कैश ब्रेक इवन पॉइंट भी डाला होगा तो आप ये तीन चीजों को तो अच्छे से पढ़ के चले जाओ और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी अच्छे से पढ़ लेना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना आना चाहिए आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए ये बेसिक फॉर्मुले इसके अंदर ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है सिर्फ फॉर्मुले आप दो चार बार फॉर्मुले को देख जाओ कैसे अप्लाई करते हैं आसानी से समझ में आ जाएगा अगला यूनिट है हमारा डिसीजन मेकिंग तो इसके अंदर से आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिल सकता है

ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट बनता है इससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से हम ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं उसका डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है उसका डिसीजन लिया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को देखकर कभी भी फिक्स कॉस्ट को देखकर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि हम किसी ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें आपको वेरिएबल कॉस्ट को देखना होता है और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना होता है इसी टॉपिक के ऊपर अभी हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे मेक और बाय कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि रॉ मटेरियल को खुद बनाए या रॉ मटेरियल बना बुना खरीद लें क्योंकि रॉ मटेरियल को खुद अगर हम बनाएंगे तो उसमें भी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगी या फिर आप जो है बना बुना खरीद लो तो वो भी आसान है तो मेक और बाय कई बार लेने पड़ते हैं एडिशन और एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन कई बार जो है किसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर दो यानी वो प्रोडक्ट लाइन बंद कर दो और कई बार आपको किसी चीज में फायदा हो रहा है कई बार जो है किसी प्रोडक्ट लाइन में आपको फायदा दिखता है कि ये प्रोडक्ट लाइन में मैं काम ही कर रहा लेकिन अगर करूंगा तो बहुत फायदा होगा तो आप उस प्रोडक्ट लाइन को अपने बिजनेस के अंदर एड ऑन कर दो एडिशन कर दो सेल और प्रोसेस फर्दर तो एक ऑप्शन आपके सामने और खुला होता है आप अपने सामान को अभी उसी समय सेल करोगे या फिर जो है उसमें और फर्दर कोई प्रोसेस करके उसको और मैन्युफैक्चर करना चाहते हो ऑपरेट और शट डाउन अपने नुकसान हो हो, हो। तो होगा तो बंद करोगे तो डिजन मेकिंग चैप्टर है आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है और उसके हिसाब से डिजन लेना है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस फिक्स करना तो वो तो आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर डिपेंड करता है तो ये सब निकाल कर उसके हिसाब से डीजल लेने पड़ते हैं इसमें से एक छोरी आएगी और ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाले पॉइंट पे एक प्रैक्टिकल भी बन सकता है बाकी सब पॉइंट पे अगर कोई प्रैक्टिकल बनेगा तो वो छोटा बनेगा लेकिन इस पॉइंट पे काफी बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है एक आपका अगर हम बात करें चौथे यूनिट की तो चौथा यूनिट आएगा हमारे सामने बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम बेसिकली इसके अंदर ये दो अलग अलग चैप्टर है यूनिट एक है लेकिन चैप्टर दो दो है बजटरी कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके ऊपर आपके पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा और थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा बहुत ज्यादा वेटेज रखता है ये आपके एग्जाम में तो आप इस बजेटरी कंट्रोल चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना इसकी थ्योरी भी और इसका प्रैक्टिकल भी अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो जीरो बेस बजटिंग बहुत पूछी जाती है फिक्स और फ्लेक्सिबल बजटिंग पूछी जाती है तो इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट बजट की डेफिनेशन पढ़नी होगी आपको बजटिंग एंड कंट्रोल बजटिंग क्या होती है और कंट्रोल क्या होता है ऑब्जेक्टिव मेरिट्स एंड लिमिटेशन बजट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शनल बजट फंक्शनल बजट क्या होते हैं कितने टाइप के होते हैं तो मैं आपको बताऊं इसमें से जो है ना एक इंपॉर्टेंट बजट जो आपका बनता है वो बनता है प्रोडक्शन बजट तो आप प्रोडक्शन बजट बनाना जरूर सीख जाना और, और भी बजट आ सकते हैं लेकिन प्रोडक्शन बजट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बाकी इसमें से थ्योरी बहुत पूछी जाती है अब बात करें दूसरे चैप्टर की जो की है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियंस एनालिसिस तो इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और एक थ्योरी भी आ सकता है प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो तरीके के वेरियंस है आपके पेपर के अंदर वो आपसे जा सकते हैं एक मटीरियल वेरियंस एक लेबर वेरियंस बहुत आसान होता है निकालना फटाफट फॉर्मुला देखो टेन ईयर में से पास ईयर पेपर में से और या फिर अपनी किताब उठा लो अपना स्टडी मटेरियल उठा लो आपको नहीं मिला एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस का फॉर्मुला देखो स्टडी मटेरियल में एक एग्जांपल दिया होगा वो एग्जांपल देखो एज इट इज सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कंट्रोल रेशियो भी सीख जाना कंट्रोल रेशियो क्या होता है कंट्रोल रेशियो पूछा जाता है एक छोटा क्वेश्चन बनाना होता है फिफ्थ चैप्टर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर से एक छोरी क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिकल कोई बनेगा नहीं खास बेसिकली मैं बताऊं आपको क्या करना है आप जो है ये जितना सिलेबस सिलेबस है सिर्फ इस के अंदर जितने जितने टॉपिक दे रखे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप इनको पढ़ जाओ आपका काम हो जाएगा इनकी छोरी पढ़ जाओ इनका प्रैक्टिकल पढ़ जाओ या फिर अगर आप टेन ईयर से पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट देखो ये टॉपिक देखो और टेन ईयर में ढूंढो और वहां से उसको फटाफट थ्योरी के नाम पर पढ़ना शुरू कर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सारे कवर हो जाएंगे अगर मैं एक पेपर की बात करूं पेपर पैटर्न किस तरीके का आएगा डीएससी तो तो थी सेमिस्टर सिक्स का पेपर होगा तीन की जगह साढ़े तीन घंटे लिखे होंगे पचहत्तर मार्क्स का पेपर है देखो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आप पेपर इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो आपकी अपनी मर्जी है तो अगर बात करें सबसे पहला क्वेश्चन छोड़ी क्वेश्चन आया आठ नंबर आप देख सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव और उसके ऑब्जेक्टिव बताने है। तो आठ नंबर का क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ बोला था इसमें से उठाओ कॉन्सेप्ट और जो है उसको टेन ईयर मटेरियल से पढ़ना शुरू करो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीधे सीधे थ्योरी क्वेश्चन आ गया फर्स्ट यूनिट में से सिर्फ इतने से टॉपिक कवर करके जाओ आपका थ्योरी क्वेश्चन पक्का हो जाएगा आठ नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा इतने में से क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट ये पूछा गया है अगर बी पार्ट की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन के बीच क्या डिफरेंस होता है सात नंबर में पूछा गया मैं आपको दिखा देता हूँ कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन यहां पर देखो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन मैंने आपको कहा था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पेपर आपका इन्हीं में से आ जाएगा आप इसी को देखकर इसी में से थोड़ी पढ़ जाओ स्टडी मटेरियल में बहुत सारा दिया होता है वहां उस चक्कर में मत फंसो तो आठ और सात पंद्रह नंबर का पेपर तो आपका उसी में से आ गया इसके बी पार्ट ऑप्शन में भी आपके पास एक्सप्लेन द डिस्ट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है आठ नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको यही बात बोली थी आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों को भी डिफरेंस बोला गया था तो ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं आप यहाँ से देखो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए आप इसको फटाफट पढ़ना शुरू करो आपका थोड़ी भी अटेम्प्ट हो जाएगी प्रैक्टिकल भी अटेम्प्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज आपका जो चॉइस में क्वेश्चन आ रहा है इंटरनल चॉइस में वो भी उसी टॉपिक्स में से आ रहा है चार पांच इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं यूनिट वन में उसको पढ़ जाओ आपके छोड़ कवर हो जाएगी आपके पंद्रह मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट आया आठ नंबर का बी पार्ट आया नंबर का पंद्रह मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन राइट एंड एक्सप्लेने फंक्शन ऑफ बजटिंग फंक्शन ऑफ बजटिंग के ऊपर हमें नोट लिखना है कितने मार्क्स का आठ मार्क्स का बी पार्ट क्या पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग आपको कहा था बजट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बजट चैप्टर के ऊपर से छोरी भी आएगी प्रैक्टिकल भी आएगा आप देख सकते हो एक आठ नंबर की एक सात नंबर की पंद्रह नंबर की छोरी आ गई

तो यहां पर कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है क्या कह रहा है स्टॉक एट दी एंड वो कह रहा है हाफ सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट मंथ में जितनी सेल होती है उसका हाफ आपका करंट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होगा मैं आपको समझा देता हूँ आप देख सकते हो अगर हमें जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो जुलाई के अगला मंथ कौन सा है अगस्त का अगस्त में सेल कितनी है ग्यारह सौ तो ग्यारह सौ का हाफ नेक्स्ट मंथ की सेल का हाफ तो ग्यारह सौ का हाफ कितना पांच सौ पचास पांच सौ पचास आपका जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक होगा और अगर आपको अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो आप सेप्टेम्बर की सेल देख लो सेप्टेबर की सेल है सत्रह सो सत्रह सौ का हाफ कितना होता है सत्रह सौ का हाफ होता है और जून टू थाउजेंड सेवेंटीन यहाँ पर जून टू थाउजेंड सेवेंटीन बोला गया? अगर आपको जून टू का क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ये कह रहा है जून टू में भी इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक निकाला गया था यानी जून टू स्टॉक कितना होगा जुलाई

तो पिछले महीने जितना क्लोजिंग स्टॉक होगा वही इस महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा जून में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला था मैंने आपको बताया था जून में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला था हमने जुलाई की सेल का फिफ्टी परसेंट हमारा जून का क्लोजिंग स्टॉक होगा जुलाई की सेल ग्यारह सौ थी और उसका फिफ्टी परसेंट कितना हुआ हमारा पांच सौ पचास तो जून का क्लोजिंग स्टॉक था पांच सौ पचास तो जुलाई का ओपनिंग स्टॉक भी पांच सौ पचास होगा अगस्त का ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे जो जुलाई का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही अगस्त का ओपनिंग स्टॉक होगा उसी तरीके से सेप्टेम्बर का क्या होगा सेप्टेम्बर का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा जो अगस्त का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो निकाल लोगे प्रोडक्शन बजट आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे ओपनिंग स्टॉक निकालोगे हर महीने का टोटल प्रोडक्शन यूनिट बता रखी है बाईस हजार ये बाईस हजार जो प्रोडक्शन यूनिट है ये पूरे साल की है और आपको छह महीने का बजट बनाना है और हर महीने का प्रोडक्शन यूनिट निकालनी है कैसे निकालोगे हर महीने की सेल दे रखी है हर महीने का ओपनिंग स्टॉक निकालोगे हर महीने का क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे सेल में से क्लोजिंग स्टॉक को एड कर देना ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देना आपका हर महीने की प्रोडक्शन यूनिट निकल के आ जाएगी तो आप इस तरीके से इसको आराम से सोल्व कर सकते हो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर का आप देख सकते हो यहाँ पर पंद्रह नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो फिर भी जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते उनके लिए ड्यू ने सामने छोरी डाल रखी है आप छोरी अटेम्प्ट करो आप तब भी पास हो जाओगे बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेट कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और एस्टिमेट कॉस्ट क्या होती है आठ नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आपका काम हो जाएगा थोड़ी पढ़ के डिस्कस द कंट्रोल रेशियो कॉमनली यूज मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग ऑपरेशन तो कंट्रोल रेशियो क्या होता है ये बताना है कंट्रोल रेशियो मैंने आपको बताया था यहाँ पर देखो कंट्रोल रेशियो लिखा हुआ था ये जितने टॉपिक मैं आपको बता रखा है ये इंपॉर्टेंट है इसी के ऊपर थ्योरी बनेगी इसी के ऊपर प्रैक्टिकल बनेगा फटाफट इनकी एक दो दिन के अंदर थ्योरी देख जाओ आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं एक बार ए पार्ट भी छोड़ी बी पार्ट भी छोड़ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी थ्योरी सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी थ्योरी थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी थ्योरी पैंतालीस नंबर की थोरी देखने को मिल गई आपको फिर आया स्टैंडर्ड कॉस्ट के चैप्टर से क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या पूछा गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल यह भी पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन होगा आराम से पंद्रह मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो निकालने को बोला गया इसमें मटीरियल वेरियंट मैंने आपको कहा था आपके सिलेबस में दो ही वेरियंट्स है मटीरियल वेरियंट और लेबर वेरियंट दोनों के थोड़े बहुत दो चार फॉर्मुले होते हैं बड़े आराम से निकल जाता है पूछा क्या गया एक बार देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द केमिकल मिक्सचर स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रखी है एक केमिकल मिक्सचर की क्या बता फोर्टी परसेंट मटीरियल हुआ है 40 उसमें बी हुआ है यानी केमिकल मिक्सचर है जिसमें फोर्टी परसेंट हुआ है टोटल कितना ये नहीं बता रखा लेकिन कितना कितने रेशियो में डाला है ये बता रखा है ए और बी दो तरीके केमिकल डले हुए ए की में एक बीस रुपए किलो और बी की स्टैंडर्ड कॉस्ट है तीस रुपए किलो स्टैंडर्ड लॉस ऑफ टेन परसेंट ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन तो टेन परसेंट जो है इनपुट का लॉस होता है जब आउटपुट निकलता है यानी आप 100 यूनिट डालोगे तो आपके 90 यूनिट है जिसकी कॉस्ट है 18 पर किलो आप कहोगे मटीरियल ए जो है वो बीस रूपए का था नहीं ये जो मटीरियल है ये बीस स्टैंडर्ड कॉस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है देखा स्टैंडर्ड कॉस्ट जबकि ये जो अठारह रुपए है ये आपकी एक्चुअल है नब्बे किलो एक्चुअल में यूज हुआ है अठारह रुपए के हिसाब से हमें मिल गया हमने सोचा था बीस के हिसाब से मिलेगा मिल गया अठारह हो गया एक सौ दस किलो हमारा भी लगा है, जो 34 के से हमें मिला जबकि क्योंकि दस परसेंट का तो लॉस हो जाता है ना तो अगर वन एटी टू यूनिट हमारा नाइन्टी परसेंट है ये हमारा आउटपुट निकला है तो सौ परसेंट आउटपुट कितना होगा आप निकाल सकते हो में जितना आउट का आउटपुट निकलेगा मैं निकाल के बताता हूँ एक सेकेंड कैलकुलेटर पढ़ा नाइंटी सौ की अगर बात करें तो निकलेगा दो सौ दो पॉइंट बाईस किलो निकलेगा तो ये आपका मट, केमिकल मिक्सचर का टोटल निकलेगा इसका फोर्टी परसेंट मटीरियल ए है सिक्सटी परसेंट मटीरियल बी है पंद्रह नंबर का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिर थ्योरी आप देखो आपको तो मजी हो रही है आप थ्योरी पढ़ के चले जाओ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फीचर्स बताने बता और उसके लिमिटेशन बताने तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप चैप्टर पढ़ोगे उसकी छोड़ी पढ़ लेना आपके छोड़ एक, एक और अटेम्प्ट हो जाएगी पैंतालीस प्लस पांच पचास नंबर की छोरी हो गई आपकी इसका बी पार्ट प्रैक्टिकल आया है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन ईफ दी सिचुएशन तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है मैंने आपको बताया ब्रेक इवन पॉइंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको ब्रेक इवन पॉइंट बताना है तीन अलग अलग सिचुएशन में ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन ये तीनों सिचुएशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालना अच्छे से देख लो दस नंबर का क्वेश्चन है ये तो दस और पांच पंद्रह हो गए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हर क्वेश्चन पंद्रह पंद्रह मार्क्स का आ रहा है पांच क्वेश्चन यानी मार्क्स इसके चॉइस में भी एक छोटी क्वेश्चन आया है वो भी ब्रेक इवन का ही ब्रेक इवन पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है आप देखते चलो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है ये बताना है ब्रेक इवन चार्ट बनाना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसका एनालिसिस क्या होता है वो बताना है

तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे फिक्स कॉस्ट लेस करोगे उसके बाद आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा तो दोनों तरीके से निकालना आसान है आप एक बार देख लेना इसको दस मार्क्स का क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं फिर आपकी लास्ट में भी थ्योरी पूछी गई है एक्सप्लेन ब्रीफली बिलो मार्जिनल कॉस्ट में भी जस्टिफाई तो ऐसी सरकम बताओ ऐसी सिचुएशन बताओ जब हमें मार्जिनल कॉस्ट से भी नीचे सामान को बेचना पड़ता है तो ये भी थ्योरी क्वेश्चन है पांच नंबर का टोटल आपके पचपन नंबर की थ्योरी आ चुकी है अभी तक पचहत्तर नंबर के पेपर में से पचपन थ्योरी पूछी गई है तो आप छोरी छोरी भी कवर कर जाओ आपको तो अच्छा खासा मार्क्स बन सकते हैं प्रैक्टिकल क्या बोला गया अ अज कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर एनम तो एक मैनुफेक्चर है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट यूनिट है है यानी वो बना सकती है। बनाती नहीं है प्रेजेंटली इट प्रोड्यूस दस हजार यूनिट विच आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट एट रुपीज ट्वेंटी वो, वो प्रोड्यूस कितना करती है दस हजार यूनिट और उसको बेचती है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कितने रुपए में पच्चीस रुपए पर यूनिट के हिसाब से

और एक रुपए आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई तीन रुपए और पचास पैसे यहाँ पर हो गई साढ़े तीन रूपये तो साढ़े तीन रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई साढ़े सोलह रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी की आपकी फिक्स कॉस्ट थी तो साढ़े सोलह प्लस बीस रूपए हो गए आपके पूरे और आप सामान कितने में बेच देते हो पच्चीस रूपये में पांच रूपये का आपका प्रॉफिट हो जाता है पूरा हिसाब किताब बता रखा है और फॉरन कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट तो एक फॉरन कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहा है एंड ही इज विलिंग टू बाई पांच हजार यूनिट्स और वो पांच हजार यूनिट्स खरीदना चाहता है एक साथ वन ऑर्डर लिखा हुआ है बट एट अफ रुपीज से वो पांच हजार यूनिट मांग रहा है तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है बीस रुपए पर यूनिट और वो मांग कितने में रहा है साढ़े सत्रह रूपए पर यूनिट में तो हम कॉस्ट से नीचे तो बेचेंगे नहीं तो हमें तो मना कर देना चाहिए इस ऑर्डर को लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचो और ध्यान से देखो फॉर्म जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकती है पंद्रह हजार यूनिट लेकिन मैन्युफैक्चर करती कितनी है दस हजार यूनिट और उसके वेरिएबल और फिक्स खर्चे लगते हैं अब एक बात बताओ चाहे कंपनी पंद्रह हजार यूनिट बनाए या दस हजार यूनिट बनाए फिक्स खर्चे तो लगने ही लगने हैं फैक्ट्री का रेंट तो उतना ही जाना है वॉचमैन की सैलरी तो उतनी जानी है तो फिक्स खर्चे तो उतने ही लगने हैं चाहे आप दस हजार यूनिट बनाओ चाहे पंद्रह हजार यूनिट बनाओ आपके पास पांच हजार यूनिट बनाने का स्कोप अभी बचा हुआ है आपकी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट एक्सट्राइंड करोगी अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर देते हो फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी रहेगी तो हमें यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को नोटिस करना है ना कि फिक्स कॉस्ट को और अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी साढ़े सोलह रूपये और वो कितने में मांग रहा है साढ़े सत्रह रुपए में तो यहाँ तो सीधे सीधे एक रुपए पर यूनिट का फायदा हो रहा है आप फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर दो क्योंकि कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में नहीं करी जाती क्योंकि कॉस्ट तो फिक्स है आप कम बनाओ ज्यादा बनाओ वो तो फिक्स रहेगी रहेगी तो यहाँ पर अगर फर्म इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे एक रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा तो ये ऑफर साढ़े सत्रह रुपए वाला कंपनी के लिए फायदेमंद है कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए लेकिन अगर यहीं पर वो साढ़े सत्रह रुपए की जगह पंद्रह रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदने की मांग करता है तो आप कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती आप डिजन चेंज हो जाएगा क्योंकि साढ़े सोलह रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है और पंद्रह रुपए में कंपनी इसको नहीं बेच सकती कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करनी पड़ती है वेरिएबल कॉस्ट से नीचे तो सीए सीडा आपका घाटा है तो आप लॉस में तो सामान बेचोगे नहीं तो कंपनी का डिजन चेंज हो जाएगा अगर पंद्रह रुपए पर यूनिट के हिसाब से फॉरेन कस्टमर मांगेगा लेकिन अगर सत्रह रुपए पचास पैसे के हिसाब से मांगेगा तो कंपनी को इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो आपने देखा डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाती है किस तरीके से ध्यान से डिसीजन लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो था वो कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन आपका दस मार्क्स का था अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को ऑप्शनल में क्या दिया गया है एक्सप्लेन द डिफरेंट मैथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिविजनल परफॉर्मेंस तो डिविजनल परफॉर्मेंस को मेजर करने के अलग अलग मेथड बताने पांच नंबर का क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन टोटल साठ नंबर की थ्योरी होगी आपके एग्जाम में जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया यहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन है किससे आया हुआ कंट्रोल से आप देख सकते हो यहां पर बजेटरी कंट्रोल का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं कंपनी इज एट एट प्रेजेंट वर्किंग 90 कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट्स पर ईयर तो एक कंपनी है वो प्रेजेंट में कितना 90 परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी में काम करती है और 13,500 यूनिट को पर ईयर में मैन्युफैक्चर करती है इट ऑपरेट्स अ फ्लेक्सिबल बजेटरी कंट्रोल सिस्टम तो फ्लेक्सिबल बजेटरी कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करती है फॉलोइंग फिगर आर ऑप्टेन फ्रॉम इट्स बजट तो बजटरी कंट्रोल का ही क्वेश्चन है बजटरी कंट्रोल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी जो है तो तेरह हजार पांच सौ यूनिट बनाती है वो तो बताई रखा है सेल बता रखा है रुपीस में पंद्रह लाख फिक्स एक्सपेंस बता रखे तीन लाख पांच सौ वेरियबल एक्सपेंस बता है एक लाख पैंतालीस हजार सेमी वेरिएबल एक्सपेंस बता रख है

1500 यूनिट की कॉस्ट बतानी है जो डिफरेंस में बनाए जाएंगे, जो बनाए जाएंगे तो यहां पर आपको हर खर्चे का डिफरेंस में एक अलग से कॉलम बनाना होगा और उसका डिफरेंस लिखना होगा यहां पर 13500 यूनिट 90 परसेंट कैपेसिटी में बनाई जाती है 15000 यूनिट 100 परसेंट कैपेसिटी में बनाई जाती है तो पंद्रह यूनिट का जो डिफरेंस है और उसकी जो कॉस्ट निकलेगी वो बताना है यहाँ पर और दूसरा क्या पूछा गया प्राइस वुड बी रिकमेंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दिस पंद्रह यूनिट टेकिंग इन टू ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन डीजीएस प्राइस तो ये बताना है कि आप कितना प्राइस रिकमेंड करोगे अगर आप इस पंद्रह सौ यूनिट को एक्सपोर्ट करोगे और इस बात को ध्यान रखना कि ओवरसीज का यानी जो foreign का प्राइस है वो कई गुना कम है आपके यानी आपके डोमेस्टिक प्राइस से तो अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉरन में बिक नहीं पाएगा तो आपको अपने प्राइस को कम से कम रखना है और अगर कम से कम प्राइस रखना है तो आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस रखना होगा अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होती है तो थोड़ा बहुत मार्जिन एड ऑन करो और अपने सामान को बेच दो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना होगा आसान क्वेश्चन है ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था तो ये टोटल आपके पांच क्वेश्चन हो गए ये पांच नंबर का थ्योरी पूछा गया था दस नंबर का प्रैक्टिकल पूछा गया था तो आप देख सकते हो सात नंबर की थ्योरी आप इसमें आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो थ्योरी बहुत पूछी जा रही है प्रैक्टिकल चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो पास ईयर को देख जाना अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप ये दो चैप्टर तैयार कर लो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा एक बजट वाला और दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला बाकी आपने देख लिया पेपर किस तरीके का पूछा जाता है मैंने आपको पेपर डिस्कस कर दिया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है जाकर ज्वाइन और फॉलो कर लेना मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो